छनी अंगालो पने तघर रे छनी कैले माया शीत झै कैले घाम झै रे छर तडर रे छनी। आज मेरे पापा की 60th बर्थडे है। मेरे पापा और चाचू आपको उनकी कहानी सुनाएंगे। यस माय डियर फैमिली, मैं अपने पापा श्री ब्रिजेश अग्रवाल जी के बारे में कुछ बातें करना चाहता हूँ। वो बहुत ही लाइट मूडेड और बिंदास किस्म के इंसान रहे हैं। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में मेहनत से और ईमानदारी से बहुत कुछ हासिल किया है। आइए मैं आपको जल्दी से उनके बारे में कुछ बताता हूँ। मेरे पापा श्री ब्रिजेश अग्रवाल जी का जन्म भैरवा में 15th अप्रैल 1964 में हुआ था। वो मेरे दादाजी और दादी जी के सबसे छोटे नटखट और लाडले सुपुत्र थे। हमने तो ये भी सुना है कि अगर पापा को खिलौने की जिद हो जाती तो उनको ना मिलती तो वो एकदम से अपना सर बॉडी पटकने को तैयार रहते थे, जिसके वजह से उनकी जिद पूरी हो जाती थी। और शायद यही रीज़न है कि उनके दो पोते यानी कि हर्षिव और पार्थ का जिद बहुत जल्दी पापा से पूरा किया जाता है। पापा ने अपनी स्कूलिंग ही भैरवा से शुरुआत की और बाद में उन्होंने अपना हाई स्कूलिंग वाराणसी से कंप्लीट किया। वाराणसी के दोस्त तो पापा के ज़िंदगी के एक अहम हिस्सा हैं। साथ ही अमिताभ बच्चन की फर्स्ट डे फर्स्ट शो, चाहे वो ब्लैक हो वाइट हो ग्रे हो, के बारे में मैं कैसे मिस कर सकता हूँ। एक बार का किस्सा है जो कि मैंने पापा से बहुत ही बार सुना है कि उनके एग्ज़ाम्स के पहले जो उनको बहुत ही प्रेशर था तो उनको रात भर पढ़ने के लिए डॉक्टर से कुछ दवा उन्होंने लिया नींद ना आने की, और वो सोए तो नहीं और इतना पढ़ लिए कि एग्ज़ाम हॉल पहुँचते तो वो हॉल के अंदर ही ब्लैकआउट हो गए। इन शॉर्ट वी कुड से दैट बनारस फॉर पापा वॉज फन, मस्ती, मूवीज एंड मैजिक। वापस आते ही पापा ने बाबा और अपने बड़े भाइयों के साथ मिलके अपना व्यापार को बढ़ाया। अब आते हैं उस पड़ाव पे जहाँ से मेरी और गौरव की स्टोरी शुरू होने वाली थी। एक बार की बात है, नर्मल दादाजी और ओम प्रकाश साहू जी गोरखपुर गए हुए थे। इत्तेफाक से वहाँ उनको एक लड़की पसंद आ गई और उन्होंने उनका तिलक भी कर दिया। फिर दादाजी घर आके पापा को कैजुअली बोला, जो सबके साथ बैठे हुए थे, कि मैंने तुम्हारा रिश्ता पक्का कर दिया है। पापा को लगा कि दादाजी मजाक कर रहे हैं, लेकिन मज़े की बात तो ये है कि वो नहीं कर रहे थे। और पापा को घर आके जो शौक लगा कि उनका रिश्ता एक्चुअल में पक्का हो गया है। फाइनली उनका विवाह मेरी मम्मी यानी कि कुसुम जी के साथ हो गया और वो पापा की लाइफ में उनके जीवन साथी बन के आ गए। मेरी मम्मी ने पापा का साथ हमेशा हर कदम पे दिया है। वो हमेशा साथ साथ चले और चाहे लाइफ में अप्स हो या डाउन्स, मम्मी ने पापा का हर जगह साथ दिया और उनसे कदम से कदम मिला के चली। पापा मम्मी साथ में बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया। दे वर मेड रियली मेड फॉर ईच अदर। फिर क्या था, मैं और गौरव मम्मी पापा के ज़िंदगी में आ गए। मैं बदमाशी में नंबर वन, गौरव रोने में नंबर वन। कैसे संभाला होगा मम्मी पापा ने हमको, पता नहीं। हम दोनों ने मम्मी पापा से बहुत कुछ सीखा है। हमको उन्होंने सिखाया सिंप्लिसिटी, ऑनेस्टी, हम्बलनेस और ह्यूमैनिटी क्या होती है। मम्मी पापा से हमको हमेशा प्रेरणा दी कि हम आगे बढ़ें और अपना अपने परिवार का नाम रोशन करें। पापा ने हमें हमेशा सिखाया है कि कुछ भी हो, किसी का गलत मत करना और किसी का दिल मत दुखाना। पापा ने अपने लाइफ में बहुत अच्छा बैलेंस बनाया है, चाहे वो फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, सोसाइटी हो या स्पिरिचुअलिटी हो। जब बात आती है एंजॉयमेंट की तो पापा को गाने सुनना, मूवीज़ देखना, दोस्तों के साथ ड्राइव पे जाना, ट्रैवल करना बहुत पसंद है। सानू डिपार्टमेंट स्टोर में रोज़ शाम की बैठक तो ज़रूरी हो गई है, और रामकुमार अंकल हो चाहे और कोई दोस्त, उनके साथ लॉन्ग ड्राइव पे जाके गाने सुनना पापा को बहुत पसंद है। रही बात पापा की ज़िंदगी में ठहराव की, तो
तो वो हमने पापा के लाइफ में, हमारे लाइफ में महाराज जी के आने के बाद देखा। उनसे हम लोग ने सीखा कि हम लोग को कभी गिव अप नहीं करना चाहिए और भगवान पे हमेशा भरोसा रखना चाहिए। कितना इंस्पिरेशनल है ये सब। जैसे जैसे हम सब लोग बड़े हुए, बहुत ही अप्स एंड डाउन्स दोनों देखा हमने। पापा की बेस्ट क्वालिटी हमेशा से ही रही है कि वो खुद भी बहुत काम रहते हैं और कोशिश करते हैं कि उनके अगल बगल वाले भी काम और पॉजिटिव रहें। जैसे जैसे वक्त बीता, हमारे घर में एक नई मेंबर मेरी भाभी आई, मेरे लिए बहन और पापा के लिए बेटी के रूप में। कुछ समय बाद हमारे घर का सबसे खूबसूरत पल 15 जून को आया, जब पापा की गोद में एक नन्ही सी परी अक्षता के रूप में आई। अचानक से पूरा घर वापस से बिजी हो गया। अजीब सा कनेक्शन है पापा और अक्षता में, जो शब्दों में बयान शायद मैं ना कर सकूं। अगले पड़ाव चलते ही मेरी शादी हुई बहुत ही धूमधाम से, और डॉक्टर साहब जूही के आने से हमारे घर भी कंप्लीट हुई। पापा और जूही और भाभी को एकदम बेटी की तरह मानते हैं और बहुत ही सपोर्टिव अपने करियर या लाइफ को लेके करते हैं। जैसे जैसे टाइम बीता, जो घर इतना शांत रहता था, अब हमेशा इस घर में हल्ला गुल्ला ही रहने लगा है। दो बदमाश पोते जो आए, पार्थ और हर्षित, शायद इसी को कहते हैं लाइफ साइकिल। ऐसे लगता है फिर से मैं और भैया अपने बचपन के पल जी रहे हैं। हमेशा हमें प्रेरणा देते रहे हैं फॉर गुड हेल्थ, गुड वैल्यूज। बहुत ही कोशिश किया पापा ने हम सब लोगों को साथ में योगा कराने की, बट ऑन एंड ऑफ खुद आ गया। हमेशा हमें सिखाते हैं कि अपने पूरे परिवार को साथ लेके खुशियों के साथ चलना है। वी लव यू अ लॉट पापा। हैप्पी बर्थडे पापा, वी लव यू वेरी 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 मच।